मेरा नाम मोहम्मद साहबान सरफराज अहमद है, मैं मालेगांव से हूँ। मेरी ना दो शादी हुई, दोनों रिलेशन के हिसाब से हुई थी, नॉर्मल बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मालेगांव में जितने भी नॉर्म मतलब डीजी और डॉक्टर है, सबको बताने के बाद ये वो लोग ऐसा डिसीजन दिए कि भाई तुमको नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे। मतलब नॉर्मल नहीं होते थे तो क्या प्रॉब्लम रहती थी बच्चों में? बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ी रहती थी, कभी पेड़ में पानी भरा रहता था, कभी सर बड़ा रहता था ऐसा। तो ऐसे लगभग कितने बच्चे आपको अबनॉर्मल हुए? अबनॉर्मल लगभग मेरे 4 से 5 बच्चे, लगभग 5 बच्चे अबनॉर्मल हुए। तो मैं अखबार में पढ़ के डॉक्टर साहब के पास आया, उनसे ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने अल्लाह का नाम लेके दवा शुरू किए। 1.5-2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 बच्चे नॉर्मल हो चुके हैं, अल्लाह का करम है। कितने साल आपने ट्रीटमेंट लिए यहाँ से? लगभग 1.5 से 2 साल ट्रीटमेंट चला मेरा। एंड उसके बाद जो अभी बच्चे हुए हैं वो कैसे? दो बच्चे हैं, नॉर्मल है, अभी एक बड़ी बच्ची जो स्कूल जाने लगी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।